ग्रीडी चिकन पराठा वाला। बांद्रा नाम के गांव में शेषु नाम का एक अपने होटल में चिकन पराठा बेचा करता था। शेषु क्वालिटी के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। इसकी वजह से उसके पास ज्यादा लाभ भी नहीं बचते थे, फिर भी वो वही क्वालिटी मेंटेन करता था। ये जब चल रहा था तो एक दिन शेषु के घर उसका साला पुनित आया। फिर शेषु से पुनित, क्यों जीजू, क्या बात है? देखने पर बहुत बिजी हो सुना है। मेरी दीदी पूछने पर पैसे नहीं है कहते हो, इतने लाभ का क्या कर रहे हो फिर? यूं कहा शेषु, कहाँ है भाई लाभ, लोगों को अच्छा क्वालिटी दे रहा हूँ, उसकी वजह से ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल लोग ज्यादा आएंगे ना, तब हमें लाभ मिल जाएंगे रे। वैसे व्यापार भरोसा ही तो होता है ना। यूं कहा पुनित, भरोसा? कैसा भरोसा, आजकल ये सब कौन सोचता है जीजाजी। व्यापार में उतरने के बाद जितना मिला उतना लाभ लेना है और बाहर आना है बस। शेषु, रे बातें करना बहुत आसान है, व्यापार करने पे पता चलेगा। यूं कहा पुनित, हाँ क्या जीजाजी, तो फिर ठीक है, ठीक एक महीना तक आपके शॉप के आगे मैं भी एक चिकन बंडी लगाऊंगा, तब दिखाऊंगा लाभ कैसे कमाते हैं, तब तो सीख लेना। यूं कहा ऐसे दो दिन के बाद पुनित शेषु के दुकान के आगे ही चिकन पराठा शॉप चलाने लगा। अब लोगों से पुनित, आओ भाई आओ, एकदम अच्छा क्वालिटी वाला चिकन पराठा एकदम कम दाम में, मुझे बिल्कुल लाभ नहीं चाहिए, आपकी खुशी ही मेरे लिए जरूरी है, आपके लिए ही तो मैं पैदा हुआ हूँ भाई, आओ भाई आओ। लोग भी शेषु से कम दाम होने की वजह से सब पुनित के पास ही खरीदने लगे। ऐसे दो दिन में ही लोग वहाँ खूब आए। उस दिन के बाद पुनित अपने चिकन पराठा में चिकन कम डालकर मैदे को ही चिकन के रूप में बनाकर उससे उस पराठा में डालकर बेचना शुरू किया। इससे उसके पास खूब पैसे बचने लगे। ऐसे कुछ दिन बीत गए, लोग भी ज्यादा आने लगे। अब एक दिन उसके पास एक कस्टमर आया, वो उसके पास से पराठा लेकर खाते वक्त, अरे पुनित, रोज तुम्हारे पास पराठा लेकर खा रहा हूँ, लेकिन आजकल दो दिन से पेट में दर्द हो रहा है, क्या बताओ? पुनित, पेट दर्द? ये मामूली पेट दर्द नहीं है, टाइम होने पर तुम्हारे पेट में अलार्म बजना शुरू हो रहा है कि तुम्हें चिकन परोठा खाना है, तुम्हारा पेट। चलो रे चलो, पुनित के पास से पराठा लेकर खाएंगे, यूँ कहते हुए सिग्नल दे रहे हैं कस्टमर। पता नहीं भाई, तुम तो बोल रहे हो ऐसे, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, इसके पहले शेषु भाई के पास रोज खाता था, कभी ऐसे नहीं हुआ पता है? यूँ कहा पुनित, भाई वो शेषु के पास सिर्फ बॉयलर मुर्गी ही होती है, मैं नंबर वन जंगली मुर्गियों से बनाता हूँ भाई, क्वालिटी की बात ही अलग होती है ना, जरा सोचिए, थोड़ा सा तो सेट होने में वक्त लगता है। कह रहा था कि वहाँ एक बबीता नाम की औरत आई। अब बबीता, रे कमीने, तुम जंगली मुर्गियों का इस्तेमाल करते हो, इतने झूठे हो तुम, अभी डॉक्टर से मिलकर आई हूँ, कल पेट में दर्द हो रहा था तो उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, तुम पूरा कचरा इस पराठा में डालते हो इसलिए पेट दर्द हुआ है कह रहे हैं। यूं बोली तो गुस्सा होकर कस्टमर, क्यों रे, हमारे साथ ही धोखा करोगे, ऊपर से ये पूरा कचरा हमारे मुंह में डालकर ये कहते हो कि ये जंगली क्वालिटी मुर्गियां हैं, रुको रे, तुम्हारे पराठा अब तुम्हें ही खिलाएंगे, कहकर पुनित को पकड़कर वहाँ मौजूद सारे पराठे उसे जबरदस्ती खिला दिए। वहाँ मौजूद सारे कस्टमर्स तालियां बजाए। तब पराठा इतना ठूसने की वजह से पुनित का पेट फूल गया। फिर लोग वहाँ से चले गए। फिर पुनित के पास शेषु आया। उसे देखकर पुनित, जीजा जी देखा, ये लोग कितने साइको हैं, मेरे पराठा जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूस दिए जीजा जी। शेषु, रे लोगों को तुमने क्या समझा है रे, तुम अच्छा करोगे तो पसंद करेंगे, उल्टा करोगे तो ऐसे ही तुम्हें पीट देंगे, चलो हॉस्पिटल चलो, कहकर उसे ले गया।